नमस्कार, गुजरात की चुनाव चौपाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। सियासी विवाद पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। चुनावी वादों के बीच जीत के अपने अपने दावे भी हैं। तो क्या है गुजरात के चुनावी चौपाल का नजारा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का राज आखिरकार सामने आ ही गया। वह रहस्य कहीं और नहीं बल्कि मोदी जी के हाथ में बंधे काले धागे में छुपा हुआ है। मोदी को करीब से जानने वाले लोगों का मानना है कि यह धागा देवी मां का आशीर्वाद है और जैसे ही मोदी अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हैं तो सभा में मौजूद लोग सम्मोहित होकर मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। यह काला धागा उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित टिम्बा गांव के मां दुर्गा के मंदिर का प्रसाद है। इस मंदिर के प्रति नरेंद्र भाई की गहरी आस्था है। बताते हैं कि मंदिर के पुजारी भी अभिमंत्रित कर धागा मोदी को भेजते हैं। आप भी जानते होंगे कि छोटे बच्चों को माताएं बुरी नजर से बचाने के लिए काला धागा बांधती हैं और डिठोना भी लगाती हैं। बात में दम तो है। बुरी नजर से ख्याल आया कि ट्रक पर लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। साथ में पुराना सा जूता भी लटका होता है। मगर हमारे युवा पटेल हार्दिक पटेल के फोटो पर तो उनके अपनों ने ही फूल की जगह जूते चढ़ा दिए। ये उन्होंने हार्दिक को बुरी नजर से बचाने के लिए नहीं बल्कि बुरा बताने के लिए किया। दरअसल जामनगर में पिछले दिनों पाटीदार युवाओं ने हार्दिक का खुलकर विरोध किया था। उनका कहना था कि हार्दिक पाटीदार समाज के अपराधी हैं, उनके कारण ही आंदोलन के दौरान 14 पाटीदार युवकों की मौत हुई थी। युवा इसलिए भी नाराज हैं कि वे कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। उनका कहना था कि पाटीदार युवा सिर्फ उसी पार्टी के साथ हैं जो उन्हें आरक्षण देगी। गुजरात का पटेल बनने का सपना बुन रहे हार्दिक के लिए खतरे की घंटी है, कहीं पूरी के लिए आधी भी न छूट जाए। इस चुनावी महाभारत में अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी के अलावा एक चौथा चेहरा भी है, प्रवीण राम नामक इस छुपे रुस्तम के बारे में कहा जाता है कि ये तो हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। राम सोशल मीडिया के धुरंधर हैं। उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में तो इनका अच्छा खासा प्रभाव है। इसी के मद्देनजर हाल ही में कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत ने प्रवीण के साथ ताबड़तोड़ बैठक कर डाली। अब भाजपा में तो हड़कंप मचना ही था। सुना है भाजपा ने भी लगे हाथ प्रवीण राम को न्योता भेज दिया है। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि राम भाजपा के साथ होते हैं या फिर कांग्रेस के। हालांकि राम पर तो भाजपा अपना ही कॉपीराइट मानती है। चुनावी मौसम आते ही कवियों की कल्पनाएं भी कुलांचे भरने लगी हैं। उन पर भी चुनावी रंग चढ़ गया है। वे राजनीतिक दलों पर अपनी कलम से कटाक्ष करने में नहीं चूक रहे हैं। नेताओं के काले बादल वादों की घटाए हैं, नेताओं के काले बादल वादों की घटाए हैं, गुजरात के आसमान पर चुनाव के मौसम छाए हैं। अल्पेश हार्दिक जिग्नेश बादल घुमड़ घुमड़ कर आए हैं, जातिवाद के खून की बूंदें ये बादल भर लाए हैं। वादों की बारिश से भैया जनता कभी न हर्षी है, बादल हो किसी भी दल के बस घोटालों की वृष्टि है। ऊपर वाले एक बार बस ऐसे बादल भिजवा दे, हर वोटर के खाते में रुपए 15 लाख जो टपका दे। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अरे भाई, हम आपको कोई कविता नहीं सुना रहे हैं। बापू बोले तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला। चुनावी दंगल में इस बार वे किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, मतलब वे अपनी ढपली और अपना ही राग आलाप रहे हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि कांग्रेस से अलग होकर भाजपा के करीब आए बापू का अब भगवा पार्टी से भी मोह भंग हो गया है। 77 साल की उम्र में भी शंकर भाई 15 सीटें जीतने की जुगत भिड़ा रहे हैं ताकि सत्ता का गणित अपने हिसाब से बैठा सकें। क्या उनका सपना पूरा होगा और क्या वे किंग मेकर की भूमिका में आ पाएंगे, यह तो वोटिंग मशीन 18 दिसंबर को ही बताएंगी। लेकिन एक बात तय है कि उनकी उपस्थिति भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही सेहत पर जरूर असर डालने वाली है। गुजरात विधानसभा चुनाव पर यह थी हमारी खास प्रस्तुति। अगली बार चुनाव की चटखारे लेती खबरों के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।